काफी लोग जमा होंगे क्योंकि कौम और बाबा पहली बात मरने के कदम होती है। ये काम कौन करने का था आप लोग जानते हैं। हैदराबाद के जितने भी वयू शिया हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों का एहसास करे। जमाना बहुत बदल गया है। पहले कबरे आती नहीं थी हमारे पास तो कुछ हुआ कौन मारा। अब लम्हे में आप लोगों की इन बातों का जो है खबर मिलती है पता चलता है, मगर फिर भी कौन खामोश है। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि नामे हुसैन पे जो भी अपनी शहादत को पेश करते रहते किसी भी तरह से ये दुनिया में उनका शोरा और चर्चा होता ही है बराबर। मगर माहौल जैसा बदलता है लोग जो है कदामत को भी भूलना चाह रहे हैं आजकल के जमाने में। जदीद वाकया तो परामर्श कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपस में मिले और उसके खिलाफ जो है हमारा हाथ बनता था ये खड़े रहते हुए इंतजार कर सकते। और आज की महफिल में आप महसूस कर रहे थे तमाम उलमा और अंजुमनों के सुनूर और दूर दराज से भी जो मोमिन आए ईमान की बारगाह में शहीद को पुरसा देने के लिए। मैं सिर्फ आप लोगों से मारदा करूंगा कि आइंदा भी कभी ऐसे प्रोग्राम हो तो पहले पहले तो खुदा नहीं करेंगे, मगर जुल्म इतना बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ होने के इम्कान के बराबर। और खास करके अपनी नमाजों में ईरान की हुकूमत और आला रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए दुआ करें आप लोग। इस सूरत आतिया पढ़े अगर हुकूमत अल्लाह शेर बाबर में मरो उनके साथ चार और जो है मोमिन बच्चे शहीद हुए। बाकी दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ जहाँ भी जुर्म का शिकार मोमिन मारे जा रहे जब जब की साहब के चारों फर्जन उनकी रोजा का भी तस्करा ऐसे ही साथ में ले लिया सूरत आतिया पढ़े अगर हुकूमत अल्लाह। तमाम हाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर मौलाना शहीद साहब का इस तरह मुझे राबित करें कि कैसा भी आवाज को बुलंद करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो खामोश खिदमत करते किसी को खबर नहीं चलती। बहुत अच्छा इकदाम था कि मोमिन आए कम से कम ईमान के तौर के मुताबिक 40 मोमिन अगर किसी मरहूम के लिए अगर नेक है बोलते हैं तो उसकी बख्शिश हो जाती है। ये हजारों की तादाद में जो ये नूरानी चेहरे मेरे के सामने फैले हुए हैं इबादतों को जो है करके यहाँ पर तशरीफ लाए हम लोग आप तमाम से मैं बहुत बहुत जो शुक्रिया का तलबगार हूँ। और ख़ास करके सदाए हुसैनी जो अखबार शियाओं की नीज़ों को देता है आप मुख्तसर से रोज मेरा मुआवजा है कि मैं कम से कम सिगरेट पीने वाला वहीं का अखबार खरीदे ताकि आप खुशी के हालात मालूम हो। दूसरे अखबार इतना खुल के नहीं दी कम से कम क्योंकि बड़े बुजुर्ग एक बात बोले थे जिस कौम में नजर की अहमियत ज्यादा होगी वही कौम जिंदा रहेगी। हमारे पास आज उर्दू का चलन बहुत कम है। अपने बच्चों को कम से कम उर्दू तालीम के यहाँ कदीम लोगों की किताबें पढ़ने को नसीब होगा और ये उर्दू अखबार साथ साथ इंग्लिश भी है। इसमें दुनिया भर के खबरें आते हैं और उनका जिसमें बहुत पावन रहा मैंने आप तमाम हाजिरों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। खास करके आराम डॉक्टर मौलाना शरीफ और मसूद हुसैन जाफी साहब की अपना खिलाफ रखिए मेरे हुसैन साहब छोटी उड़मा जाकर यहाँ पर खिलाफ करके गए तमाम का मेरी तरफ से शुक्रिया। खास करके सदाए हुसैन के चीफ एडिटर जाफर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।